लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद से बड़ी खबर। जी हाँ, फिरोजाबाद में अवैध शराब के साथ फिरोजाबाद के बीजेपी जनप्रतिनिधि का सगा भतीजा और दो अन्य लोग हुए गिरफ्तार। बता दें, ब्लैक में शराब बेचने का आरोप है। लगभग 2 लाख रुपए की शराब बरामद की है और 400 ब्रांडेड क्वार्टर अंग्रेजी शराब बरामद की। बता दें, फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के ब्रज ढाबे से सीओ सिरसागंज आईपीएस डॉक्टर इरज राजा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पकड़ी अवैध शराब और अंग्रेजी शराब के ब्रांडेड 400 क्वार्टर पुलिस ने ढाबे और गाड़ी से बरामद किए। सीओ सिरसागंज की टीम ने गाड़ी और 10 बाइक को सीज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार एक आरोपी फिरोजाबाद के बीजेपी जनप्रतिनिधि का सगा भतीजा है। पकड़े गए तीनों आरोपियों पर लिखी जा रही है FIR। NS2 पे स्थित ब्रिज ढाबा में एक शिकायत मिली थी कि वहां अवैध रूप से दारू बेची जा रही है। इस सूचना पे क्षेत्राधिकारी सिरसागंज और SHO सिरसागंज ने आज एक ढाबे पे छापा मारा तो वहां काफी मात्रा में अवैध शराब मिली। करीब 400 क्वार्टर्स विभिन्न ब्रांड्स के वहां पे बरामद हुए हैं। वहां पे 2 4-व्हीलर गाड़ियां मिली है, 10 बाइक मिली हैं और सूचना सही पाई गई और वहां पे 3 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इसमें कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और लॉकडाउन उल्लंघन का भी ये मामला बनता है। अवैध रूप से दारू बेचने की शिकायत थी, इसमें मुकदमा लिख के कार्रवाई की जा रही है।